अच्छा भूख लगी है तुझे भी? हाँ मैं ठीक है, मिल जाएगा खाना, लेकिन पहले ऐसे करके दिखा जैसे तू पार करता था रोटी के लिए। रोजी गोरी। पापा ये कौन है? बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है और अब से ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। क्या हमारे साथ ही रहेगा? पर क्यों? इसका ना इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अनाथ है। ठीक किया ना मुझे इसको घर लाकर रुचि? ठीक है जी। चलो मैं ना एक काम करता हूँ, अब इसके लिए बाजार से नए कपड़े ले आता हूँ। ठीक है चल बेटा। मेरी बेटा इस अनाथ का तो कुछ करना ही होगा, इसे घर से निकालना होगा, नहीं तो सारी संपत्ति इसको ही मिल जाएगी। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो, देखो आते ही शॉपिंग करने चला गया, पापा ने मुझे तो शॉपिंग कराई नहीं, इसको करवा दी इस अनाथ को। रुचि। हाँ जी। मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, और दक्ष का पूरा ध्यान रखना है, उसको ऐसा ना लगे कि वो यहाँ अनजान है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि तुम ही उसकी माँ हो। ठीक है जी, आप चिंता मत करो, मैं दक्ष का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। वो भी याद रखेगा कि उसको कोई ऐसी माँ मिली थी। मिली थी क्या मतलब? नहीं जी नहीं, वो मतलब मैं उसको इतना प्यार दूंगी। चलो ठीक है, ध्यान रखना, मैं निकलता हूँ। जा और तू पूरे घर की साफ सफाई कर दे खड़ा होके। मुझे काम करना नहीं आता। अगर यहाँ रहना है ना तो यहाँ काम करना पड़ेगा और एक नौकर बन के रहना पड़ेगा। खड़ा हो वो पड़ी झाड़ू और उठा के झाड़ू लगा चल। दो पैणा दा वीर मैं ते मां दी अख दा तारा। मम्मी टंकी में पानी नहीं आ रहा, मुझे नहाना था। कोई बात नहीं बेटा, नहीं आ रहा तो हमारे पास तो नौकर है, मैं उससे मंगा देती हूँ बाहर से तुम्हारे लिए पानी। दक्ष जी माँ, तुझे कितनी बार बोला है मुझे माँ मत बोला कर, तू एक अनाथ है, समझ आई तुझे? और ये ले बाल्टी, बाहर नल पे से पानी ले गया चल। गोरी बेटा अगर तैयार हो गई हो तो आ जा, तेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैडम जी मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दे दो खाना। मम्मी अनाथ को भी भूख लगती है। अच्छा भूख लगी है तुझे भी? ठीक है मिल जाएगा खाना, लेकिन पहले ऐसे करके दिखा जैसे तू पार करता था रोटी के लिए। मैडम जी खाना दे दो, दो दिन से कुछ नहीं खाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गरीब का ऐसे मजाक बनाते हो, ये अनाथ है इसमें इसकी क्या गलती है? तुम्हें पता है भगवान ने तुम्हें आज तक बेटा क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम बेटे लायक हो ही नहीं, क्योंकि तुमने आज तक किसी गरीब भिखारी को कभी खाना खिलाया है।
कभी उनसे दुआ ली है? जो दुआ नहीं, हमेशा बददुआ ही ली है, इसीलिए भगवान ने तुझे आज तक बेटा नहीं दिया। मैंने सोचा था शायद भगवान ने हमारी सुन ली या हमें इसलिए बेटा दे दिया, लेकिन सच तो यह है कि तू बांझ थी और बांझ ही रहेगी। मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने कभी इन लोगों को समझाया नहीं, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो आप, मैंने इसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया। आज से ना कष्ट को अपने बेटे की तरह रखूंगी, अपने बेटे की तरह पालूंगी, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी।